दोस्तों कहते हैं कि हर प्राणी में भगवान का वास होता है और अगर ऐसा है तो सभी जीव भगवान को एक समान खास और प्यारे होने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भगवान क्यों उन लोगों का नाश करते हैं जो पापी और दुष्ट हैं? इसके पीछे क्या थ्योरी है, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक कहा गया है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो। इसका अर्थ है कि भगवान कहते हैं कि वे सभी प्राणियों में सम हैं और उन्हें किसी से द्वेष नहीं है। कहा भी जाता है कि भगवान सभी जीवों में निवास करते हैं, उन्हें सभी प्राणियों से प्रेम और सहानुभूति है और हम सब आत्मा उनका ही एक अंश है। तो ऐसे में भगवान अपने उन अंशों का नाश क्यों कर देते हैं जो दुष्ट हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हम सभी प्राणी एक समान होते हुए भी किस प्रकार प्रभु की नजर में अलग हो जाते हैं। ये सच है कि हम सब में ईश्वर का वास है और भगवान के लिए हम सभी समान हैं, लेकिन हम सब जिस डोर से भगवान से जुड़े हुए हैं वो है हमारी आत्मा। आत्मा निर्गुण और अमर है और इसलिए यह सबकी एक समान है, बस उसकी ऊर्जा और उम्र अलग अलग है। कोई उच्च स्तर की बूढ़ी आत्मा है तो कोई कम अनुभवी। लेकिन अगर जीव की आत्मा के साथ उसके भौतिक शरीर की साथ के बात करें तो वह निर्गुण नहीं है, बल्कि उसमें कई दोष हैं। वह अधर्म, अज्ञान, भ्रम, क्रोध, लोभ और अन्य दुर्गुणों से भरा पड़ा है और इसी सबसे वशीभूत होकर वह पाप कर्म करता है। मनुष्य का कर्म और स्वभाव ही इस संसार में हर जीव को दूसरे जीव से अलग कर देता है। तो जब भी हम ये बात कहते हैं कि भगवान सब में समाहित है और फिर भी वो अपने ही अंश यानी दुष्ट मनुष्यों का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि वो उस आत्मा का नाश नहीं करते बल्कि उसमें मौजूद दुष्टता और अधर्मता का नाश कर रहे होते हैं। भगवान अपने अवतार के माध्यम से अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य दुष्टता, अधर्म, अज्ञानता इत्यादि दुर्गुणों को मिटाना है। वे सत्य, धर्म, प्रेम, सहानुभूति, ज्ञान और आनंद इत्यादि गुणों को प्रधानता देते हैं और उन्हें पता है कि संसार के सुचारू रूप से चलने के लिए इस सब की आवश्यकता है। भगवान दुष्टों का विरोध नहीं करते हैं बल्कि उनके दुष्कर्मों का विरोध करते हैं और अपने अवतारों के माध्यम से उसी दुष्टता को नष्ट करते हैं और धर्म को स्थापित करते हैं। भगवान की सभी जीवों के प्रति उदारता और समभाव भी यहाँ दिखता है, क्योंकि जब ये उन दुष्टों का नाश करते हैं तो उन्हें शांति और मुक्ति के लिए अपने धाम भी भेज देते हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं सब में हूँ, इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपनी आत्मा, कर्मों और भावनाओं को एक मंदिर की भांति शुद्ध रखें ताकि आत्मा की पवित्रता बरकरार रहे और हम दिन प्रतिदिन ईश्वर के करीब रहें। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।